हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रीतमा और आप सभी का श्रीतमा किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमारा धाबा स्टाइल स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी दाल फ्राई तड़का बिल्कुल परोसने के लिए तैयार है। दोस्तों, अब से आप दाल फ्राई तड़का इस तरह से अपने घर पर ही बनाएं। इसके लिए आपको धाबा या रेस्टोरेंट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो धाबा स्टाइल दाल फ्राई तड़का बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल को बॉईल करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 कप तुअर की दाल, इसे अरहर की दाल भी बोलते हैं, और इसको मैंने अच्छे से वॉश करके कुछ देर के लिए भिगो दिया। और आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी फूल गई है, तो इसे हम पानी में डाल देंगे। एक कुकर में मैंने 4 कप पानी लिया है और इसे थोड़ा सा गर्म कर लिया है, और उसके साथ मैंने लिया है 1/2 कप चना दाल। आप चाहे तो थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं। इसे भी अच्छे से वॉश करके थोड़ी देर पानी में भिगो दिया था, तो इसे भी पानी में डाल देंगे। ये दाल फ्राई मैं यहाँ पे तुअर दाल और चना दाल के साथ बनाऊंगी। आप चाहे तो इसके साथ उड़द की दाल या फिर मूंग की दाल ले सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और साथ साथ 1 छोटा चम्मच नमक या फिर स्वादानुसार नमक। 1-2 बार इसे चला के अब मैं कुकर के ढक्कन ढक देती हूँ और इसे हाई फ्लेम पे 5 सीटी आने तक छोड़ती हूँ। हाई फ्लेम पे 5 सीटी आने के बाद कुकर के प्रेशर पूरी तरह से खत्म करके ढक्कन को खोलती हूँ और ये दाल को मैं अभी चेक कर लेती हूँ। और ये देखिए, दाल हमारा बढ़िया पक गई है। तो अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ और बाकी प्रोसेस की तरफ चलती हूँ। तो एक पैन में मैं 3 से 4 चम्मच तेल डाल देती हूँ और उसी के साथ मैं यहाँ पे 1 चम्मच घी डाल देती हूँ। आप चाहे तो सिर्फ घी का इस्तेमाल करके ये दाल फ्राई को बना सकते हैं। तेल और घी को गर्म करके अब मैं यहाँ पे 3 तेज पत्ता डाल देती हूँ और उसी के साथ 2 सूखे लाल मिर्च, थोड़ा सा खड़े गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच जीरा डाल देती हूँ और इन सारे खड़े मसालों को कुछ सेकेंड्स भून लेती हूँ। तो कुछ सेकेंड्स इसे भूनने के बाद अब मैं यहाँ पे 2 स्लिट किए हुए हरी मिर्च डाल देती हूँ। दोस्तों, तेल के ऊपर थोड़ा सा हरी मिर्च डालने से दाल फ्राई का स्वाद बढ़िया आएगा। उसी के साथ मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 1/2 छोटा चम्मच हींग। तो और कुछ सेकेंड्स इनको मिलाने के बाद अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 2 चॉप्ड प्याज। तो प्याज को हमें 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेना है। 1-2 मिनट के बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ा सा घिसा हुआ लहसुन और थोड़ा सा घिसा हुआ अदरक। 1/2 इंच अदरक को मैंने घिस लिया है और 8 से 10 लहसुन की कलियां को मैंने घिस लिया है। दोस्तों, अदरक और लहसुन को घिसने से इसका स्वाद अच्छा आएगा, पर आप चाहे तो इनका पेस्ट भी बना सकते हैं। 2-3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं प्याज अदरक लहसुन को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है और इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 2 चॉप्ड टमाटर। दोस्तों, दाल फ्राई तड़का में टमाटर एक बहुत ही खास चीज है, तो टमाटर को आप ऐसे चॉप करके डालें। तो टमाटर को हमें अच्छे से पकाना है। तो 1-2 मिनट इसे चलाने के बाद अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। अब इन सारे मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। दोस्तों, दाल को उबालते वक्त मैंने हल्दी और नमक डाला था, तो इसीलिए नमक और हल्दी आप हिसाब से डालें। तो इसे मैं ढक देती हूँ और ढक के मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए छोड़ती हूँ। आप चाहे तो इसे ना भी ढक सकते हैं। 2 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर इसे हम चलाएंगे। प्याज टमाटर हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुकी है, तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चॉप्ड हरा धनिया डाल देती हूँ। दाल फ्राई तड़का में इस वक्त थोड़ा सा हरा धनिया डालने से टेस्ट लाजवाब आएंगे। तो इसे और 1-2 मिनट भूनने के बाद अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ हमारा बॉईल किए हुए दाल, और दाल के साथ मसालों को अच्छे से मिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, और दाल हमारा एकदम परफेक्टली पक गई है। तेजपत्ता को अगर आप चाहें तो इस वक्त निकाल सकते हैं। तो अभी मैं 1/2 कप पानी यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, क्योंकि दोस्तों दाल को इन मसालों के साथ हमें और थोड़ा सा पकाना है। तो ये दाल को अब हम ढक कर पकाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पे इसे ढक देते हैं और ढक के थोड़ी देर के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। कुछ देर बाद ढक्कन खोलकर दाल को हम चेक कर लेंगे, और ये देखिए कितना बढ़िया कंसिस्टेंसी इसके आ चुके हैं, बिल्कुल जैसे हमें चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और साथ साथ एक बहुत ही खास चीज़ जो ढाबे में अक्सर यूज़ करते हैं, और वो है थोड़ा सा कसूरी मेथी। जी हाँ दोस्तों, ढाबा स्टाइल कोई भी रेसिपी में कसूरी मेथी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं दाल की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है और नान कुलचा पराठा के साथ ये ना एकदम मस्त लगते हैं। दाल को इससे ज़्यादा पतले ना करें, इसके कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। तो ये ढाबा स्टाइल दाल फ्राई बिल्कुल हमारा तैयार है। तो अब मैं इसे एक बाल्टी में सर्व कर लेती हूँ, जैसे होटल में या ढाबे में किया जाता है, ताकि ये खाने के साथ साथ दिखने में भी बढ़िया लगे। टेस्टी और गाढ़ा दाल बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों इसमें अभी भी एक चीज़ की कमी है और वो है तड़का। तो उसके लिए एक तड़के वाले बोल लिया है, जिसमें मैंने डाल दिया है 1 बड़े चम्मच घी। घी को बिल्कुल थोड़ा सा गर्म करके यहाँ पे डाल देती हूँ 1/3 छोटा चम्मच जीरा, थोड़ा सा जिंजर जुलियन यानी कि ये लंबाई में कटी हुई अदरक, 1/4 छोटा चम्मच हींग। इसे हम ऐसे चलाएंगे। तो अब यहाँ पे ऐड कर देती हूँ 1/3 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और फिर ये स्पेशल तड़का जाएगा हमारे दाल के ऊपर। तो इसे डालने के बाद इसे दाल के साथ मिक्स कर दे अच्छे से। तो ये हमारा ढाबा स्टाइल स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी दाल फ्राई तड़का बिल्कुल परोसने के लिए तैयार है। दोस्तों अब से आप दाल फ्राई तड़का इस तरह से अपने घर पर ही बनाएं। इसके लिए आपको ढाबा या रेस्टोरेंट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल देर ना करके इसे आप झटपट बना लीजिए और फीडबैक दे के मुझे बताइए ये स्पेशल ढाबा जैसी दाल फ्राई तड़का आपको कैसी लगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक के बटन में प्लीज़ क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करना ये रेसिपी को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी चैनल को। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ, और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।